उधमपुर पुलिस ने हाल ही में बस में हुए डबल धमाकों की गुत्थी सुलझा ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और आतंकियों के निशाने पर हाई प्रोफाइल मंत्री थे। खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है। जम्मू कश्मीर के जन्नत से आतंक के नासूर को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल हर मिनट पूरी कोशिश में लगे हैं। कोई भी साजिश हो अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी जाती है। सबसे पहले बात उधमपुर में हुए बम धमाकों की। बीते शुक्रवार को उधमपुर में दो अलग अलग बसों में धमाके हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बम धमाके की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया गया और पुलिस ने अपने खुलासे में जो दावे किए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज उन्होंने भेजे थे, ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश को रचने वाला आतंकी मोहम्मद अमीन बट उर्फ खुबैब है। खुबैब ने जम्मू कश्मीर घाटी में सक्रिय असलम शेर को हथियार भेजे थे। यह हथियार ड्रोन के जरिए घाटी में भेजे गए थे। खुबैब ने असलम को 5 आईडी भेजी थी, इनमें कुछ स्टिकी बम भी शामिल थे। इन आईडी से असलम को बड़े नेताओं को निशाना बनाना था। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहां के नजदीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। इस मामले में पुलिस ने जाकिर हुसैन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। जाकिर हुसैन जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तारी के दौरान जाकिर के पास स्टिकी बम भी मिले हैं। जिस समय जम्मू में पुलिस आतंकी साजिश की पूरी गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही थी, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी थी। शोपिया में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को मार दिया। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी शोपिया का ही रहने वाला था। दरअसल सुरक्षा बल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे कि इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया। पर इतनी सख्ती के बाद भी आतंकी अपने नापाक मंसूबों को किसी न किसी तरह से अंजाम देते रहे हैं। रविवार को पुलवामा के पिंगलाना में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की ज्वाइंट पार्टी पर पहले हमला किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।